एक सियासी कारकुन के नाते ईमानदारी से कहता हूँ, बलूचिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। बलूचिस्तान के लोगों को इस्लामाबाद के हुक्मरान कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और जो गुलाम समझते हैं। आप एपिस कमेटी के फैसले के साथ हैं, आप बॉर्डर के बंदिश के फैसले के साथ हैं, बलूचिस्तान को मारना चाहते हैं, पहले से मार रहे हो, तो बम गिरा दो, फैसला करो, हमें मिसाइल फेंक दो या हमें एटम बम फेंक दो। आप ऐसे क्यों फैसले करते हो? हमें भूखा मारना चाहते हो, हमें ख्वार करना चाहते हो, हमें जलील करना चाहते हो। आप भी रखे, चमन के लोग भी आपसे यही तवक्को रखते हैं, आपके वोटर भी यही तवक्को रखते हैं कि स्पीकर साहब भी आज एहतजाज करे। मुझे पता है कि चमन का बॉर्डर जो बंद है, आपने फैसला नहीं किया है, आपके काबीना ने फैसला नहीं किया है। आप चमन के अवाम के साथ हैं, आप पूरे बॉर्डर अवाम के साथ हैं, तो आप भी एहतजाज करें, हमारे उजरा किराम भी आज एहतजाज करें। तो मैं पहले भी बार बार स्पीकर साहब हम ये बता रहे हैं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। आया मैं और आप सूब जो मुंतखब सूबे असेंबली के मेंबर हैं, ये बॉर्डर के बंदिश के फैसले में हम साथ हैं, हम इसकी हिमायत करते हैं, हम एपिस कमेटी के फैसलों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान, स्पीकर साहब, सूबाई काबीना, एपिस कमेटी के इस फैसले की हिमायत काज ऐवान में बताएं हमें, ताकि पूरे बलूचिस्तान के लोग अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान कर सके और बताएं कि एपिस कमेटी के जो फैसला है कि बॉर्डर बंद हो, इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठकर ये फैसला करते हैं और हम पे मोहर लगाते हैं, दस्तखत हम लोग करते हैं और बदकिस्मती से हम वकील बनते हैं उसके, इसी बलूचिस्तान के बाशिंदे वकील बनते हैं और दलाल देते हैं। पहले हुकूमत का काम दलाल देना नहीं है, रोजगार देना है, दस्तखत करना नहीं है, रोजगार देना है। आज चमन से लेकर ग्वादर तक बॉर्डर के मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, अपने अवाम को बताएं कि आप इस फैसले के साथ हैं, आप एपिस कमेटी के फैसले के साथ हैं, आप बॉर्डर के बंदिश के फैसले के साथ हैं, बलूचिस्तान को मारना चाहते हैं, पहले से मार रहे हो, तो बम गिरा दो यार, मिसाइल आपके पास है, एटम बम आपके पास है, तमाम पे एटम बम गिरा दो ताकि मर जाए, पाकिस्तान के रियासत के लोगों का भी जान छूट जाएगा और हमारा भी जान इस पाकिस्तान से जान छूट जाएगा। फैसला करो, हमें मिसाइल फेंक दो या हमें एटम बम फेंक दो। आप ऐसे क्यों फैसले करते हो? हमें भूखा मारना चाहते हो, हमें ख्वार करना चाहते हो, हमें जलील करना चाहते हो, हमें बेइज्जत करना चाहते हो, और हमारी सूबाई हुकूमत सूबाई काबीना, भाई अल्लाह पा ये गाड़ियों के लिए बलूचिस्तान के अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया कि टूटू वाले गाड़ियां इस्तेमाल करें, आप इस पुलिस के स्क्वाड इस्तेमाल करें, ये गरीब की बद्दुआएं हमें घरों तक हम बर्बाद होंगे। शख्सी किसी के ऊपर आप हमलावर नहीं, शख्सी नहीं है, ये शख्सी है जो बाहर असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं, वो शख्सी आज शख्सी, मैं बता रहा हूँ, मैं एक सियासी कारकुन के नाते ईमानदारी से कहता हूँ, बलूचिस्तान दुश्मनी पर मबनी है, ये बलूचिस्तान के साथ दुश्मनी है साफ अल्फाज में, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, बलोच और पश्तून को पाकिस्तानी नहीं समझते, जानवर समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इसको हैवान समझते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को इस्लामाबाद के हुक्मरान कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और जो गुलाम समझते हैं, हमारे बच्चों को भूखा मार के, ये मेरे मेरे जज्बात के हुक्मरान, इस्लामाबाद के हुक्मरान, इस्लामाबाद के हैवान वाले, इस्लामाबाद के सर्द सान में बैठने वाले लोग बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये इस्लामाबाद के हुक्मरान, चाहे पीपल्स पार्टी के हुक्मरान हो या मुस्लिम लीग, मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ, वो बलूचिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के साथ जाति कर रहे हैं।